से क्या किया तूने? शिट मैडम, हम तो अपना काम कर रहे थे, आपने मारा हमको। अच्छा, तेरे कहने का मतलब ये है मैंने जानबूझ के किया है? हाँ, अपनी गाड़ी को मैं खुद क्यों ठोकूंगी? देखिए मैडम, हम अपना काम कर रहे थे, आप गाड़ी पीछे ला रही थी, आपने नहीं देखा। अच्छा, तूने कुछ नहीं किया, हमारी गलती है। तुम जैसे गरीबों को ना अच्छे से जानती हो, पहले अमीरों की गाड़ी के नीचे आते हैं, फिर उनसे पैसे लूटते हो। मुझे साफ सब बस इतना बता, जो तूने डेंट लगाया गाड़ी में, उसके पैसे कौन देगा? तेरा बाप? मैडम, हम पैसे कहाँ से लेके आएंगे, और गलती आप लोगों की है। मुझे ना कुछ नहीं सुनना है, चुपचाप पैसे निकाल, जल्दी कर। मैम देखिए, हम बस इतना कह रहे हैं, हमारी गलती नहीं है, आप लोगों की गलती है, और हमारे पास कोई पैसा नहीं है। क्या कहा, पैसे नहीं है? ये बात ना तुझे पहले सोचनी चाहिए थी, जब मेरी गाड़ी से टकराया था। मुझे कुछ नहीं पता, पैसे दे। अब ना जाकर पैसे लेकर आ। अरे उठो, उठो। क्या हुआ, अब दोनों क्यों मार रही हो उसे? तुम कौन है भाई? ओह, इसके हिमायती। हो सकता है दोनों आपस में मिले हो, तो तुम दोनों का यही प्लान है ना कि मिलके हमें लूटा है ना? मिले हुए ना इसके साथ? अरे यार, तू भी किसके मुंह लग रही है, इसका पहनावा तो देख, कौन से जमाने में जी रहा है। मैम, आपके हाथ जोड़ते हैं, आपने हमसे जो मर्जी बोल दिया, इनसे कुछ मत कहिए। क्यों, ये कहीं का विधायक लगता है क्या? तू ना मेरे सामने जुबान मत लड़ा, चुपचाप से गाड़ी के पैसे दे दे, तो छोड़ूंगी नहीं, नहीं तो मैं। पैसे ये नहीं, पैसे तुम दोनों दोगे इसे। हम क्यों देंगे पैसे, इसने नुकसान किया है ना हमारा। तो देख लो, अब शायद पता चल गया हो कि गलती किसकी है। ये वीडियो मैंने बना ली थी जब इसको चोट लगी थी और आप गाड़ी बैक कर रही थी, तो गलती इसकी नहीं है, गलती आप दोनों की है। और आप दोनों इससे पैसा मांग रहे हैं, इस पर जोर चला रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये गरीब है। तो एक कैसे बेशर्म लोग हो यार तुम लोग, उसकी मदद करनी चाहिए, उसको चोट लगी है और तुम लोग इस पर चिल्ला रहे हो, इस पर हाथ उठा रहे हो, इसको धक्का दे रहे हो। अरे गरीबों को समझते क्या हो यार तुम लोग, पैरों की धूल। ये लोग ना हक का खाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं पूरी धूप में, और इन्हें ये भी नहीं पता होता है कि शायद रात की रोटी इन्हें नसीब होगी या नहीं, लेकिन फिर भी ये खुश रहते हैं। और आप लोग बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, इन गरीबों पर अपना हक जमाते हो। अब चुपचाप इससे माफी मांगो। आई एम सॉरी। मुझसे नहीं, इससे मांगो। सॉरी। हेलो, अब क्या है, कहाँ जा रहे हो आप लोग? इसको जो चोट लगी है मरहम पट्टी होगी, उसकी दवाई के पैसे कौन देगा? पैसे दो इसे। मैं क्यों पैसे दूँ? सब इन लोगों के पैसे हमें नहीं चाहिए, हम अपना हक का खाते हैं, खैरात का खाने की आदत नहीं है, माना थोड़ा कम कमाते हैं लेकिन अपने परिवार के लिए भरपेट कमा लेते हैं। अरे आप काम की इज्जत नहीं कर सकती, इंसान की तो कर सकती है ना, लेकिन नहीं, आप अमीरों को तो लगता है गरीब गलती से आ गया, उसको मार के ख़त्म करके हटा दो। और मैडम, क्या गलत करते हैं बताइए, अपनी मेहनत से काम करके खाते हैं, भीख तो नहीं मांगते ना, लेकिन आप लोग वो भी नहीं करने देते हमें, उसका भी एक छीन रहे हैं, शर्म आती है हमें। अरे हमसे ज़्यादा गिरे हुए छोटे लोग तो आप हैं, और मैम कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और गरीब ना इस देश के लिए कूड़ा नहीं है, बहुत ज़रूरी है। हाँ माना, आप लोग अपने ऑफिस में वो टेबल पे बैठ के काम करते हैं, वो है ज़रूरी, लेकिन ये अगर ये सारा काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए, वो भी ज़रूरी है तो ये भी ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, हम आज से ये काम बंद कर देते हैं, सारे गरीब जाके घर पे बैठ जाते हैं, तब क्या होगा, तब ये जो आप अच्छी सड़कें देख रही हैं, साफ सुथरी सड़कें, इस पे कैसे चलेंगी? अरे मरने लगेंगे लोग बीमारी से, लेकिन आप लोगों को हमारी अहमियत नहीं समझ आती ना, जब तक आप पे खुद पे नहीं आती। आपका काम ज़रूरी है, उतना ही हमारा भी ज़रूरी है, और ये नियम है प्रकृति का, आप हमारा साथ देंगे तो हम आपका, और अगर आप हमारी इज्जत नहीं कर सकते ना
उसे उतारिए भी मत। हाथ जोड़ते हैं हम आपके। अब चुपचाप चले जाइए यहाँ से, जाइए। सुनो, तुम्हें चोट लग गई है, चलो तुम्हारा इलाज करवाता हूँ।